क्या देखना है? आया आया क्या देखना है? बाबा बाबा देखना है। बाबा कहाँ से दिखाऊं? आज लिखना है। आज को क्या करोगे? अच्छी अनाया अच्छी लगती है। पढ़ो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के वन टू थ्री ऐसे करो ऐसे ऐसे कर दो ऐसे 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 बातचीत ऐसे कर अल्लाह से दुआ कर दो। अल्लाह अल्लाह मामा बाबा आ जाए आमीन आमीन अल्लाह अल्लाह नहीं बोलो अल्लाह नहीं नहीं अल्लाह अल्लाह बाबा बाबा आ जाए आमीन। तो यहाँ पे मैं लगा रही थी दाल को तड़का और मैंने ना ऐसे प्याज डाला साथ में लहसुन डाल दिया थोड़ा सा और बिल्कुल छोटा छोटा कट करके मैंने डाला और साथ में ना ये जो लाल वाली सूखी मिर्चें होती हैं ना ये मैंने ऐड कर दी है और साथ ही मैंने इसमें ऐड कर दिया जो सूखा धनिया। आप लोगों ने मुझे बताना रमज़ान की तैयारियाँ किस किस करने जो है वो कर ली हैं। मेरी तो तबीयत ही ख़राब हो गई है। इंशाल्लाह ताला कल से जो है वो मैं स्टार्ट कर लूँगी अल्लाह ताला ने अगर खैर की। तो यहाँ पर मेरा जो सालन था वो तकरीबन रेडी होने के प्रोसेस में था। यहाँ पे मैं आप लोगों को किचन के हालात दिखा रही थी कि बहुत खराब है। ऊपर बैठना है? ऊपर क्या करोगे? ऊपर नहीं बैठते? ऊपर ऊपर जितना देख लेते हैं। नहीं नहीं मैं जा रहा हूँ बाबा बाय बाय। तो यहाँ पे मैंने इसमें सारे मसाले जो थे वो ऐड कर दिए थे। दाल की रेसिपी आप सबको पता है यार, कुछ लोग दाल को जो लहसुन की धोनी लगाते हैं और कुछ लोग ऐसे। अच्छा ये चने की दाल जो थी ये मैंने ना ऐसे जग में डाल के रखी हुई थी और बॉयल करने के बाद मुझे कोई कंटेनर मिल ही नहीं रहा था साथ में, फिर मैंने चाय बना ली क्योंकि मैंने तो दाल चावल खानी थी। अभी यहाँ पर मैं खा रही हूँ बंद और साथ में पी रही हूँ चाय क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है यार। पता नहीं क्या हो गया, रात तक तो ठीक थी लेकिन सुबह से मेरी हालत ख़राब है और आज सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया सिवाय इसके। जब तबीयत ख़राब होना तो ऐसी कंडीशन हो जाती है, हिम्मत बिल्कुल ख़त्म। गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आज मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। सुबह तकरीबन मैं जागी थी 7:45 के करीब और सुबह से लेकर अभी तक मेरी तबीयत इतनी ख़राब है ना कि मैं बिल्कुल ये सोच रही हूँ कि शायद मैं ठीक हो जाऊँ ठीक हो जाऊँ ठीक हो जाऊँ लेकिन मैं ठीक नहीं हो पा रही। और तब से अभी तक मैं लगातार भूखी हूँ, कुछ भी नहीं खाया और इसलिए ना कोई वीडियो मैं शूट ही नहीं कर सकी, मतलब ना ही क्लीनिंग की ना ही खाना वगैरह बनाने की। सिर्फ दाल और चावल बनाए थे पर वो मैंने खाए नहीं, स्टिल वहाँ पर ही पड़े हुए उसी तरह पड़े हुए। तो पता नहीं क्या होगा, डॉक्टर के पास नहीं गई, जस्ट मेडिसिन ला के घर में खाई है, राइजिक ली है। जो स्टमक है ना मेरा वो डिस्टर्ब हो गया। एक्चुअली मैंने ना रात को तकरीबन 12:45 के करीब जो है 12:45 हाँ इसी तरह का टाइम था मैंने मैक्रोनी खा ली थी। पहले मैंने मेरे ख्याल से 2 से 3 स्पून जो थे ना वो खाया हुआ था, क्या नाम है, राइस खाए हुए थे, मटर पुलाव जो मैंने बनाया था। तो फिर तकरीबन 12:45 के करीब मैंने मैक्रोनी फ्रिज में रखी हुई थी तो मैंने वो खा लिया और खाई थोड़ी सी ही थी, अकेली मैं नहीं थी, मेरे साथ मेरी सिस्टर भी थी, हम लोगों ने वो खाई, उनको भी कुछ नहीं हुआ, बासित को भी कुछ नहीं हुआ। मेरा स्टमक इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, इतना ज़्यादा मुझे बस फूड पॉइजनिंग हो गई और मेरी हालत तब से ख़राब जा रही है। फ्लैजल मैंने ली, राइजिक मैंने लिया लेकिन मैं नहीं ठीक हो पा रही, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। सब मुझे कह रहे हैं डॉक्टर के पास चलो डॉक्टर के पास, और तब से मैं लाकर यहाँ पे पड़ी हूँ। उससे मैंने एक जो बंद होता है ना बंद लिया और साथ में जो उसे चाय लिया, हालाँकि पहले मैंने आधा जो बंद है वो सूखा खाया, तो मैं ठीक नहीं हो रही, पता नहीं क्या हो गया। तो जॉब पे मुझे सारे ये कह रहे थे कि तुम्हें इन्फेक्शन हो गया, एक बार डॉक्टर को ज़रूर विज़िट करना। तो अच्छा उसके अलावा मैं आप लोगों के साथ बहुत सी और बातें भी करना चाह रही थी जो कि मैंने आज से पहले आप लोगों के साथ नहीं शेयर की, ना ही मैंने इस टॉपिक पर कभी बात की, ना ही
मैंने आप लोगों को कभी कुछ बताया, और रिसेंटली मेरी एक वीडियो थी ना, उस पर मैंने बासित की आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें शेयर की थी, तो मुझे एक कमेंट आया कि बासित अब जो है ना, वो मैंने बताया था कि बासित बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ा होता जा रहा है, बासित किसी की कोई बात नहीं सुनता और ना ऐसे लाइक गुस्सा करता है ना, तो मुझे बहुत अच्छे भी कमेंट आए, उनमें कुछ कमेंट ऐसे अजीब भी थे, लेकिन अजीब जो कमेंट्स होते हैं उनको मैंने इग्नोर किया, लेकिन एक कमेंट जो था वो मेरे सीधा जाके दिल पे लगा, और मुझे वो कमेंट आया था कि बासित को ना बहन या भाई की ज़रूरत है, एक न्यू बेबी की बासित को ज़रूरत है, क्योंकि उसको खेलने के लिए कोई चाहिए, ठीक है। तो उसी कमेंट के रिप्लाई में आया हुआ था कि जो है रिप्लाई में आया हुआ था कि इसको बच्चों का क्यों बोल रही हो, ये तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है, इसे और बच्चा चाहिए होता तो अभी तक कर चुकी होती, ठीक है। तो फिर मतलब आप देखो कि एक कमेंट जो बहुत ही अच्छा था, ठीक है, उन्होंने सजेस्ट किया कि बासित को बहन या भाई की ज़रूरत है, लेकिन उसके रिप्लाई में ही साथ ही ये कमेंट आया कि ये तो अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही है और इसको बच्चे की क्या ज़रूरत है, और फिर साथ ही कमेंट आया कि जो जॉब करने वाली औरतें होती हैं उनको बच्चों से इतना लगाव नहीं होता, वो जस्ट अपनी लाइफ को एंजॉय करती हैं और बाहर घूमना घुमाना उनका काम होता है, ठीक है। ये तीन कमेंट्स थे। बहुत सोचा, कई बार सोचा कि इस पे मैं वीडियो बनाऊं, फिर मैं कहती थी यार रहने दो, लेकिन अब तो हद ही हो गई थी, हर वीडियो के नीचे एक कमेंट कि तुम्हें दूसरा बच्चा कर लेना चाहिए। तो मैं आप लोगों को जिस इतना बोलूँगी कि हर इंसान की, मतलब मैं वो औरत हूँ ना कि मैं 12-13 साल तरसी हूँ औलाद के लिए, ठीक है, बहुत तरसी हूँ, हद से ज़्यादा तरसी हूँ, तरस तरस के मुझे अब्दुल बासित मिला, और अल्लाह ताला ने मुझ पर बहुत बड़ा रहम किया, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ऐसा अल्लाह ताला मुझ पर करम करेगा या मैं इस काबिल हूँ, लेकिन अब दूसरा बेबी करना या दूसरे बेबी के बारे में सोचना, मुझे आप लोग बताएं क्या वो सही है, आप लोग मुझे इतना बताएं कि अभी जो सिचुएशन मेरी चल रही है, जो हालात मेरे चल रहे हैं कि सिर्फ मेरा हस्बैंड जो है वो सिर्फ शादियों पर जोर रख के बैठा हुआ है, आज मैं बीमार हूँ ना, सुबह से मेरी कंडीशन ख़राब है, हर कोई मेरी कॉल करके पता कर रहा है, हर कोई मेरे बारे में मुझसे पूछ रहा है, हर कोई आ रहा है, लेकिन मेरे बंदे को मेरा होश नहीं है कि वो आए, वो आना तो छोड़ो, वो मुझसे कॉल करके जस्ट इतना भी तो पूछ सकता है कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुमने डॉक्टर के पास जाना है नहीं जाना, एक छोटे से बच्चे के साथ अपनी लाइफ को घसीटते हुए मुझे मेरे हाथ से 2-3 साल होने लगे, तो इंसान थक भी तो जाता है ना, तो मैं कैसे दूसरे बेबी के बारे में सोच लूँ। लास्ट टाइम जब मेरा हुआ कंसीव मैंने कर लिया, तब भी आप लोगों के साथ ही मैंने शेयर किया था सब कुछ कि हाँ हो गया सब कुछ जो भी था, तो बहुत से लोगों ने मुझे बहुत सी चीज़ें बोली, ख़त्म कर दो इस बेबी को, क्या ज़रूरत है तुम्हें, ये है वो है, तो अब जब अल्लाह की तरफ से कंसीव नहीं हो रहा या अल्लाह की तरफ से देर है, या फिर आप कहते हो कि मैं अभी नहीं करना चाहती, कुछ भी आप सोच लो, ठीक है, तो मुझे क्यों टोंट किया जा रहा है, मुझे क्यों बार बार बोला जा रहा है कि तुम बेबी जो है वो नहीं कर रही, तुम जॉब करती हो इसलिए तुम अपनी आयाशी को ख़त्म नहीं करना चाहती, तो मुझे आप लोग बताएं मैं क्या आयाशी करती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ काम काम, अभी मैं आपको चल के बाहर दिखाऊँ ना किचन में, आज मैं सिर्फ बेड पर पड़ी हूँ ना, तो जो मेरे घर की कंडीशन है वो आप देख नहीं सकते, मतलब रेगुलर बेसिस पे ये होता है कि घर बिल्कुल क्लीन आप लोगों को नज़र आ रहा होता है, चाहे मैं जॉब करूँ चाहे मैं जो भी हूँ बाहर काम कर कर के आऊँ, लेकिन मैंने अपना घर क्लीन कर, आज मुझ में हिम्मत नहीं थी, जॉब पे मैं गई और वहाँ से जब मैं वापस आई तो मेरे किचन में सारे बर्तन स्टिल उसी तरह फैले हुए हैं जैसे पड़े हुए थे, तो मतलब कैसे आप लोग ऐसे दूसरों के ऊपर बात कर लेते हैं, आप लोगों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी है, वैसे नहीं करते गंदे का, हाँ वहाँ पे जाके पियो, वहाँ पे पियो, ये लो खोल के देती हूँ, आप लोगों के सामने मेरी पूरी ज़िंदगी है, अगर एक चीज़ छुपी हो ना तो फिर बंदा कह सकता है कि हाँ मैंने कोई चीज़ छुपा के रखी हुई है या कुछ भी, आप लोगों के सामने ज़िंदगी है तो मैं कैसे दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकती हूँ, मुझे ऐसी बातें मत सुनाया करें, मैं खुशी से नहीं करती जॉब, मुझे नहीं है, आप लोग मेरे घर के अखराजात उठाएँ या जो बंदे बातें कर रहे हैं वो उठाएँ तो मैं जॉब छोड़ दूँगी, हर बंदे का दिल करता है सुबह उठे 11-12 बजे फिर उठ के अपने घर को टाइम दे फिर अपने घर के काम करे, हर बंदे का दिल करता है, इतना छोटा सा बच्चा जिसको मैं 40 दिन का वो था तो मैं छोड़ छोड़ के जॉब पे जाती थी, हर बंदे का दिल करता है,
हर बंदे का दिल करता है कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करे, मेरा भी करता है कि मैं अपने बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करूँ। जब मैं आती हूँ वापस जॉब से तो वो मतलब जो मेरी टाइमिंग है उस टाइमिंग पर वो अम्मी की जो है ना शर्ट पकड़ के खींचना शुरू हो जाता है कि मम्मा मम्मा मम्मा, यानी कि मम्मा के पास लेकर जाओ। तो आसान नहीं है जॉब करना, बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन मैं करती हूँ। तो मैं दूसरे बच्चे को भी ऐसे रोलने के लिए इस दुनिया में लेकर आ जाऊँ, जो लड़ाइयाँ जो झगड़े हमारे घरों में चल रहे हैं। कभी एक एक बच्चा है उसके नाम पे जो प्लॉट होना था वो नागन होने नहीं दे रही, वो उसको लेके फरार हुई हुई है। उसकी डिमांड ये है कि मैंने यहाँ पे रहना है, यहाँ पे रहना है। हर कोई मेरे सर पे सवार होना चाहता है। यहाँ पे रहने का मेन रीज़न सिर्फ यही है ना कि मुझे उठा के घर से बाहर निकाल दिया जाए और पूरे घर पर कब्जा करके तो रहती रहे। इन लोगों की बस ये कोशिश होती है कि बासित हमारे पास आ जाए, और या फिर ये काम गधों की तरह करती रहे और हम मज़े से घर में अयाशी करते रहे। तो आसान नहीं है। मैं कैसे दूसरे बच्चे को दुनिया में ला के जलीलो ख़वार करूँ, क्यों मैं ऐसा करूँ? मैं बहुत ज़्यादा रोई हूँ। और एक कमर तो आया था, ये आप कभी माँ बन ही नहीं सकती क्योंकि इसने अयाशी। मैं क्यों नहीं माँ बन सकती यार? ये चीज़ तो बहुत गलत है। मतलब इतनी जहालत हमारे जो मुआशरे उसमें कहाँ से आ गई? औलाद देना ना देना ये अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। मतलब आप और मैं या कोई और क्या कर सकता है? तो बस मैं सिर्फ इसलिए खामोश हूँ। और मैं ये चीज़ नहीं अभी चाहती कि मेरे एक बच्चे की लाइफ को बहुत स्पॉइल कर दिया है इन लोगों ने। मैं और कैसे सोचूँ? ठीक है, हस्बैंड को बहुत शौक है, वो शादियाँ करता है, वहाँ से बच्चे पैदा कर लेता है। मैं अपने बच्चे को मज़ीद, या बच्ची या बच्चा जो भी हो, मैं उसको दुनिया में ला के मज़ीद अपनी तरह खज्जल खवार नहीं करना चाहती। तो ये रीज़न था। आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी सच में, अभी भी बामुश्किल वीडियो बना रही हूँ। लेकिन किसी ने मुझसे कॉल करके इतना नहीं पूछा कि शू आपने डॉक्टर के पास जाना है, आपकी तबीयत ठीक है नहीं है, मैं आ जाता हूँ। वासिफ कैसे? ना भाई, अपनी लाइफ में मगन, वो उसकी प्रेगनेंसी हो गई है तो बस वो महारानी बन गई है और उसे ले लेके जगह जगह घूमना। खैर, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा फरमाएगा। ऐसे किसी को मत टोंट किया करें कि तुम कभी माँ नहीं बन सकती तुम ये। मैंने ये ताने 12 साल सुने, अब मज़ीद मुझे ना सुनाए सारी ज़िंदगी ये कि बच्चा लेके घूमे। कि मैं हैरान हूँ यार, ऐसे मैसेजेस ऐसे कमेंट्स करके क्या मिलता है तुम लोगों को? मैं क्यों एक बच्चा लेके घूमूंगी? जब अल्लाह ने मेरे नसीब में लिखा होगा तो अल्लाह मुझे दे देगा। जिस रब ने मुझे 12-13 साल बाद इतना प्यारा बेटा दिया तो क्या वो आगे नहीं देगा? बस आज की वीडियो इतनी थी। मत किसी का दिल दुखाया करें, दिल आजारी मत किया करें। अल्लाह ताला से आसानी मांगा करें अपने लिए, दूसरों के लिए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपने से जुड़े अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। बहुत छोटी वीडियो है, यस आई नो, बट मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आज वीडियो बनाऊँ। पता नहीं मेरे साथ क्या होने लगे, बिल्कुल मेरी दम घुट रहा है, सांस बंद हो रही है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।